जवाब नहीं आया, इसीलिए मैंने आज सीएम से बात की है। मैंने बार बार उनसे बात करने के बाद जब जवाब नहीं आया तो मैंने सीएम से बात की है। मतलब आप यूजली व्हाट इज द टाइमलाइन व्हेन यू गेट अ रिस्पांस, व्हाट इज द टाइमलाइन दैट यू गेट बैक द रिस्पांस, बिकॉज़ यू आर सेइंग दैट आई न्यू नेवर। समटाइम यस, समटाइम वी गिव वन वीक नोटिस एंड समटाइम वी गिव 10, इट डिपेंड्स ऑन द दिस थिंग, बट इन दिस केस वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी। मैम मानिए एक लैप्स रहा है अधिकारियों की तरफ से कि जहां पर चार दिन में सात दिनों में जवाब दिया जाता है, महीना डेढ़ महीना गुजर जाता है कुछ नहीं हो रहा है, नहीं रिप्लाई आया। मैम एक कंप्लेन आपने कहा कि आप मई में आपको मिली थी, फिर आपको जून में भी एक कंप्लेन मिली, जैसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप से, लेकिन मई वाली जो कंप्लेन मिली थी उस पर आपने फौरन कार्रवाई करके डीजीपी को भेज दिया था, अगर उस पर कोई जवाब नहीं आया और फिर जून में फिर इस तरह की शिकायतें आई, उसके बाद भी एक महीने तक कोई जवाब नहीं आया, तो क्या हमने संज्ञान लिया था? इसीलिए डीजीपी को लिखा था। हम एक चीज मैं मीडिया को समझाना चाहूंगी कि हम एक ऐसी बॉडी है जो एडवाइज कर सकते हैं और उस पर काम करना ऑफिसर्स का काम है, चाहे वो सीएस हैं या डीजीपी है, तो हमने अपनी तरफ से एडवाइज किया था। क्या सीएम से आज बात की, क्या डीजीपी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? मैंने उनको कहा कि आप उनसे क्वेश्चन करें कि मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया और मेरे को रिप्लाई भेजा। और बाकी लोकल गवर्नमेंट की अभी तक जो इनएक्टिवनेस रही है इस चीज को लेकर, उस पर आप सरकार, भारत सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं? मैंने लोकल गवर्नमेंट से ही बात की है एंड आई होप कि लोकल गवर्नमेंट मेरा जवाब। आपने स्टेट कमीशन को वुमेन से बात की है, उनसे रिपोर्ट मांगा है, ऐसे कितने कंप्लेंट्स टोटल? स्टेट कमीशन से मैंने नहीं बात की, मैंने डायरेक्टली सीएस और डीजी से बात की। टोटल नंबर? नो, वी हैवंट रिसीव्ड एनी, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम देम।